दुख कष्ट अधिक आते हैं, क्योंकि भगवान ने पूर्ण रूप से उनको पवित्र करना है। देवी देवताओं का पूजन करने वाले वह अगले जन्म पर चले जाएंगे, दुख फिर होगा, लेकिन उनको बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। मुझ में अव्यक्त होने के लिए, पूर्ण रूप से उसे मुक्त करने के लिए, जो उसके नसीब के कष्ट तकलीफ हैं उनको वह भगवान अवश्य दिलवाया करते हैं, क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ते, ये नहीं छोड़ते जब तक उनको ना भुगता। प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्मों में। तो फिर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमारा इष्ट उससे मुक्ति करवाएगा। तो बाकी जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं, इस चरम चक्षुओं से लगेगा कि वह अधिक अच्छे हैं, इसलिए लोग अधिक उस ओर अपने ओर आकर्षित होते हैं। परंतु जो वास्तविक ज्ञान समझता है, क्योंकि वह देवी देवता भी उसी धाम में जाने के लिए प्रयत्नशील है, क्योंकि उसकी धारणा करना कठिन काम है। निश्चय से अव्यक्त गति धारणा को देहधारी दुख से ही प्राप्त कर सकते हैं। देहधारी अव्यक्त गति जो पूर्ण शांत धाम है, उसको प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, अपने जो ये समूह अंग हैं इन पर विजय हासिल करना कठिन है, मन को कठिन है। ये सारे दुख ये दुख से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब अंतर है देवी देवताओं का पूजन और उस धाम की पूर्ति। तो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज अपने शारीरिक कष्ट को नहीं समाप्त किया, इसी जन्म में करना है। जिस प्रकार शिवाजी मरहट्टा के गुरु समर्थ रामदास जी ने अपने बुखार को उतार करके उस बंधन बार पे टांग दिया, वह हिलने लगा। गुरुदेव, शिवाजी मरहट्टा पूछ रहे हैं क्यों हिल रहा है, मैंने अपना बुखार उतार कर इस पर रखा हुआ है। तो जब आप अपने बुखार को बाहर कर सकते हो, अपने रोग को बाहर कर सकते हो, तो फिर सदा के लिए दूर कर दो। नहीं शिवा, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अगर मैं इस जन्म में इसको दूर कर दिया तो मुझे और जन्म लेना पड़ेगा, इसका जो लेना देना है, जब तक मैं पूरा नहीं करूंगा तो मैं गति नहीं, परम गति को नहीं जा सकता। ये महापुरुष जब कोई आते हैं कि मेरा रोग दूर कर दो, कहते हैं नहीं हो रहा, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि वह केवल इस लोक की सोच रहा है, मैं इसके परलोक की सोच रहा हूं। यह ज्ञान अति गूढ़ है, परंतु जो जन सब कर्म मुझ में समर्पण करके, मुझ में प्रायण होकर, अनन्य भक्ति योग से ही ध्यान करते हुए मुझको अराते हैं, उन मुझ में चित लगाए हुए जनों का बार बार रहा है, जनों का, अज्ञानी ज्ञानी, कोई स्वर्ण जाति से, कोई गरीब कोई अमीर, भगवान की दृष्टि में सब एक है। उन मुझ में चित लगाए हुए जनों का मृत्यु के संसार सागर से हे पार्थ, मैं तुरंत उद्धार कर देता हूं। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। इस कारण तू मुझ में ही मन को लगा, दूसरों को देखा देखी और देवी देवताओं के पीछे के मत भाग,
मुझ में बुद्धि को स्थापित कर, इस अनन्य भक्ति के प्राप्त करने के अनंतर निस्संदेह तू मुझ में निवास करेगा, भगवान के हृदय में तू चला जाएगा। अब क्या तेरे को और क्या चाहिए तेरे को? भगवान ने विधि बना दी। 12वां अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है, यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता से नहीं लगा सकता है तो हे धनंजय अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा कर, यदि अभ्यास से भी तू असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करता हुआ निष्काम कर्म सर्व कर्म मुझे समर्पण करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तू सिद्धि को पा जाएगा। तू प्रातःकाल नहीं उठ सकता ना उठ, और नहीं कर सकता ना कर, सारे कर्म भगवान को अर्पण कर दे, तू भी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। कहीं अभिमान नहीं कर लेना, मैंने कर लिया, अब थोड़ा सा भी अभिमान मेरे कारण हो रहा है, सबके सामने नहीं एकांत में भी अकेले में, और जो मेरे निमित्त कर्म करने में भी तू अशक्त है, क्यों मेरे लिए कर्म करना? अब जब तेरे को मुनाफा होगा तू ये कभी नहीं कहेगा ये सारा भगवान का है, तो सारा भगवान को नहीं अर्पण करेगा, उनमें कुछ भाग करेगा, क्योंकि तू मानता नहीं है कि सारा भगवान करते हैं, कहीं ना कहीं भाव रहता है मैं करता हूं। तब कहा और जो मेरे निमित्त करने में भी तू अशक्त है, समर्थवान अगर तू नहीं है तो आत्मा को संयम में लाकर सब कर्मों के फलों का त्याग कर दे। अब फलों का त्याग भी नहीं कर सकता, अब बैंक में जो अपना रुपया पैसा है कैसे कह दे कि ये मेरा नहीं है? रुपया पैसा जो कमाया है बैंक में ले लिया तिजोरी में भर दिया अब त्याग कर दे, ये भी नहीं कर सकता मानव, क्योंकि वृत्ति है। परंतु केवल भगवान का मान ले तू, निश्चय से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान क्रियात्मिक आराधन अच्छा है, क्रियात्मिक आराधन ये जो हम भगवान का आराधन करते हैं ये तेरे लिए ज्यादा अच्छा है। इस विधि के अनुसार तू मेरे को प्राप्त कर लेगा अनन्य भक्ति, बाकी सारे कठिन कार्य है तेरे लिए, तू नहीं मान पाता कि सब भगवान करते हैं, कहीं ना कहीं भाव रहता है मैं करता हूं। अच्छा है, ध्यान से कर्मों के फल का त्याग सर्व कर्म ईश्वर अर्पण करना अच्छा है, त्याग के पश्चात तुरंत ही शांति मिल जाती है। जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट है, योग युक्त है, आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है, और जो प्यारा होता है सर्व सखा को दे दिया जाता है। अब फिर पढ़ लें, जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहता है, क्या मैं हूँ? सबका मित्र है, क्या मैं सबका मित्र हूँ? दयावान है, क्या मैं सब पर दया करता हूँ? ममता रहत हूँ रहत है, अहंकार वर्जित हूँ, सब सुख दुख में सम है, क्षमावान है, क्या हम दूसरे की गलती को क्षमा कर रहे हैं? सदा संतुष्ट है, जो कुछ प्राप्त है क्या संतुष्ट है? योग युक्त है, आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। जिससे लोग भय नहीं करते और जो लोगों से नहीं डरता और जो हर्ष क्रोध भय और उद्वेग चिंता जन्य व्याकुलता से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता,
पवित्र है, चतुर है, सब अशुभ कर्मों से उदासीन है, चिंता आदि मानस रोग रहित है, सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है। इसका तात्पर्य अशुभ कर्म हो रहे थे, अब त्याग दिया है। सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है और भक्ति युक्त है वह मुझे प्यारा है। जो ना हर्ष करता है ना द्वेष करता है ना चिंता करता है ना अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करता है और जो शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी है वह भक्ति भाव वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में सम दृष्टि है ऐसे ही मान अपमान में सम है, शीत उष्ण सुख दुख में सम है, फल की इच्छा रहता है। जो निंदा तथा स्तुति में बराबर रहता है, जो मौन युक्त है, मौन युक्त पोल ना खोले दूसरे की, निजी कमाई तोल अपनी कमाई तोल दूसरों की पोल ना खोलना। जो मौन युक्त है चाहे जो हो वह मिले उससे ही संतुष्ट है, स्थान की ममता रहित और स्थिर बुद्धि है वह भक्तिमान भक्त मुझे प्यारा है। 12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कैसा बनना है जिससे हम भगवान के प्यारे हों। ऊपर श्लोकों में ईश्वर भक्ति के जो लक्षण वर्णन किए गए हैं वे बहुत ही उत्तम हैं। श्रेष्ठ भक्त का जीवन ईश्वर प्रेम में कैसे रंगा हुआ और सम शांत होना उचित है यह उनमें बड़े सौंदर्य के साथ वर्णन किया गया है। जो जन, अब फिर बार बार जन कहा गया, ना ज्ञानी ना अज्ञानी, ना क्षत्रिय ना शूरवीर, ना धनवान ना निर्धन, ना पापी ना कोई बड़ा धर्मात्मा, जो भी जन। इसलिए कभी घबराना नहीं, आगे भगवान ने कह दिया है 18वें अध्याय में, अगर तू पापियों से भी बड़ा पापी है, घोर पापकर्मी है, तो भी मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर, यह नियम है मेरा।